2018 का दी एंड करने को तैयार हैं रणवीर सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों 2018 की शुरुआत रणवीर सिंह ने धमाकेदार तरीके से पद्मावत के 300 करोड़ की कमाई के साथ की थी और अब साल का अंत भी रणवीर सिंह सिम्बा के साथ करने जा रहे हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म के ट्रेलर को भले ही दर्शकों ने ठंडा रिस्पांस दिया हो, लेकिन रोहित शेट्टी अपने दर्शकों को जानते हैं। और वहीं अगर ट्रेंड पंडितों की माने तो ये एक टिपिकल देसी फिल्म है जो कमाई तो करेगी ही करेगी। और अब इस फिल्म से नया पोस्टर रिलीज किया गया है और जिसमें सिम्बा के हीरो और विलन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर बने हैं, जिसे सोनू सूद के भ्रष्ट नेता जैसे लोग अपने पांव के नीचे पैसे के दम पर दबा कर रखते हैं। वो ट्रेलर में भी सोनू सूद की उपस्थिति भरपूर है। फिल्म 28 दिसंबर को रिलीज हो रही है और अभी तक भले ही फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, लेकिन फिल्म के दोनों गाने आँख मारे हो लड़का आँख मारे और राहत फतेह अली खान का तेरे बिना दर्शकों को बहुत पसंद आया है। वहीं फिल्म में अजय देवगन के बड़े से कैमियो के कारण लोग पहले से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अब अगर बात करें सोनू सूद की तो वो आजकल विलन की भूमिकाओं में छाए हुए हैं और ये सब शुरू हुआ दबंग में उनके छेदी लाल के किरदार के बाद, जो चुलबुल पांडे की नाक में दम कर रखता है। और अब देखना है कि इस फिल्म में सोनू सूद क्या अलग करते हैं। दोस्तों सोनू सूद की शुरुआत आशिक बनाया आपने के साथ ही ग्रे किरदार से हुई थी, फिर वो कई फिल्मों में लीड रोल में भी दिखे, लेकिन उनको पहचान उनकी बैड बॉय इमेज से ही मिली। तो चलिए जब हम नेगेटिव किरदार की बात कर ही रहे हैं तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के कुछ और नेगेटिव किरदार जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया है। दोस्तों अगर बात करें जिम सार्ब की तो पहले निर्जा से सबको डराने के बाद जिम सार्ब ने पद्मावत के मलिक काफूर के किरदार में जान भर दी और दर्शक उन्हें पर्दे पर देखना पसंद करने लगे। वहीं अगर बात करें अंगद बेदी की, हालांकि अंगद बेदी को लोग अब टाइगर जिंदा है के लिए याद रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सबसे सशक्त भूमिका पिंक में मानी गई और उन्हें निगेटिव किरदार में लोगों ने पसंद भी किया। वहीं अगर बात करें ताहिर राज भसीन की तो रानी मुखर्जी की मर्दानी में विलेन की भूमिका में दिखाई दिए थे और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। वहीं फ्रेडी दारू वाला दिखे थे हॉलीडे में और उन्होंने अक्षय कुमार के फिल्म में होने के बावजूद अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अब अगर बात करें गुलशन की तो गुलशन ने हंटर के साथ लीड रोल में अपना हाथ आजमाया, लेकिन लोग उन्हें याद रखते हैं हेट स्टोरी और रामलीला के विलेन किरदारों के लिए। अब अगर बात करें टीवी के हीरो विवान भटेना की, दोस्तों लेकिन फिल्मों में वो विलेन भूमिकाओं में रम गए हैं और दर्शक उन्हें बैड बॉय के तौर पर ही देखना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं जिमी शेरगिल की। दोस्तों जिमी शेरगिल की शुरुआत माचिस से हुई, इसके बाद उन्हें रोमांटिक मेकओवर मिला फिल्म मोहब्बते से, लेकिन फिर वो गायब से हो गए और फिर जिमी शेरगिल लौटे साहब बीवी और गैंगस्टर के साथ और उनकी ग्रे भूमिकाओं को लोगों ने पसंद किया। अब बात करते हैं निकेतन धीर की, तो निकेतन धीर को सबने आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर में देखा और उसके बाद रेडी दबंग 2 चेन्नई एक्सप्रेस में वो विलन की भूमिकाओं में दिखाई दिए थे। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं विद्युत जामवाल की, तो विद्युत जामवाल की फैन फॉलोइंग्स बहुत तगड़ी है, लेकिन दर्शक उन्हें बैड बॉय इमेज में ही देखना पसंद करते हैं, तभी तो कमांडो से ज्यादा लोगों को फोर्स में उनका किरदार पसंद आया। तो दोस्तों आपको इन सभी निगेटिव किरदार में से किसका निगेटिव किरदार पसंद आता है, अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।